हेलो गाइस, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रियन फाइनली पहुंच गया था वाइन लाइटनिंग माउंटेन रेंज में एंड ह्यूमन फ्लो में मिक्स होने के बाद रियन वाइन लाइटनिंग माउंटेन रेंज के बेस लेवल पर भी पहुंच गया था। बट रियन को मिडल लेवल पर पहुंचना था एंड उसके पास टाइम कम था, इसलिए रियन अपनी फास्ट स्पीड का यूज़ करता है एंड कुछ ही देर में, मतलब डेढ़ घंटे में मिडल रीजन में पहुँच जाता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पर रियन को दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक रास्ते से वो लोग आगे बढ़ रहे थे जो लोग बसेस कंपटीशन को देखने आए थे, ग्रैंड मीटिंग को देखने आए थे, एंड दूसरे रास्ते से वो लोग आगे बढ़ रहे थे जो ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने आए थे। रियन पहले दोनों रास्तों को देखता है, जिसके बाद रियन उस रास्ते से आगे बढ़ने लगता है जिस रास्ते से लोग पार्टिसिपेट करने आए थे। वो ह्यूमन फ्लो में शामिल होकर आगे बढ़ ही रहा था तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है एंड उसे पता चलता है ये आवाज़ एल्डर हाउ की है। एल्डर हाउ की आवाज़ सुनाई देती है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता ही होगा ये आप लोग पार्टिसिपेंट कैसे कर सकते हैं ग्रैंड मीटिंग में, लेकिन फिर भी मैं आपको हमारे वाइन लाइटनिंग पेवेलियन के 3 रूल बता देता हूँ जिसके ज़रिए आप इस ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। पहला रूल, आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। दूसरा रूल, आप 3-स्टार डाउहोंग से ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए। एंड ये कहकर वो आगे आ जाते हैं, जिसके बाद कहते हैं और तीसरा रूल, आप लोगों को मुझे हराना होगा। अगर आप लोग मुझे हरा देते हैं तो आपको ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। ये सुनकर रियन, जो थोड़ी देर पहले ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि वो गलती से भी एल्डर हाउस से फाइट नहीं करना चाहता था। वो जानता था अगर उसने गलती से भी एल्डर हाउस से फाइट की एंड एल्डर हाउस ने उसे पहचान लिया तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब आगे यही सोचकर रियन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एल्डर हाउस उसे कहते हैं रुको, एंड ये कहकर वो रियन के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं लड़के, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हारा ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड जहाँ तक मुझे लगता है तुम मुझे भी हरा सकते हो इस कंपटीशन में, इस ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो, फिर तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? तो रियन कहता है मुझे ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर बस किसी से मिलने आया हूँ एंड वही काम कर कर मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। ये कहकर रियन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। एल्डर हाउ को शक तो होता है बट वो रियन को नहीं रोकते हैं। इधर रियन दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है बट इस रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए रियन को आगे बढ़ने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। इस रास्ते के दोनों साइड सिल्वर कलर के पेड़ थे जिन पर एक भी पत्ता नहीं था। इन पेड़ों के अंदर सिल्वर कलर की लाइटनिंग एनर्जी थी। यहाँ मौजूद हवा में भी वाइन लाइटनिंग एनर्जी मौजूद थी। क्लाउड्स में तो बहुत सारी वाइन लाइटनिंग एनर्जी मौजूद थी। अगर यहाँ पर कोई लाइटनिंग रोइकुई वाला वॉरियर प्रैक्टिस करता तो उसकी पावर बहुत ही तेज़ी से बढ़ती। इस जगह को देखकर रियन कहता है वाइन लाइटनिंग पेविलियन के लोग अपने लिए एक सही जगह चुनने में एक्सपर्ट हैं। वो ये कह ही रहा था तभी उसे आसमान में हेवनली सिल्वर कलर्ड क्रेन दिखाई पड़ता है जो ऑब्वियसली मिस्टैंग का क्रेन था। सभी लोग उसी क्रेन को देखने लगते हैं, रियन भी उसे ही देख रहा था। कुछ ही देर में वो क्रेन वहाँ से गायब हो जाता है। उस क्रेन को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे बिकॉज उस क्रेन की पीठ पर या कहीं पर भी उन लोगों को मिस फैंग नहीं दिखाई पड़ी थी। बट रियन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से देख लिया था मिस फैंग ने अपने ऑरा को छिपा रखा है एंड वो अभी के लिए क्रेन की पूंछ पर बैठी हुई है। पता नहीं क्यों रियन को चारों पेविलियन के वॉरियर में से मिस फैंग ही सबसे ज़्यादा खतरनाक लगती थी। रियन को लगता था जितना वो दिखाती है वो उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। रियन कहता है मिस फैंग, भले ही तुम कितनी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो बट अगर तुम मुझसे पंगा लोगी तो मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। एक एकर रियन भी अपनी फास्ट स्पीड का यूज़ करता है बिकॉज उसे जल्द से जल्द माउंटेन पीक पर पहुंचना था एंड फाइनली 10 मिनट में रियन माउंटेन पीक पर पहुंच जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम मौजूद था। स्टेडियम के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। स्टेडियम भी पूरे लोगों से भरा हुआ था। स्टेडियम के चारों तरफ बड़े बड़े सिल्वर कलर के पेड़ थे एंड उन पेड़ों पर अभी के लिए कई सारे वॉरियर बैठे हुए थे। रियन भी जाकर उन्हीं वॉरियर के साथ वहां पर बैठ जाता है एंड ग्रैंड मीटिंग के स्टार्ट होने तक रियन अपनी आंखें बंद कर अपनी पावर रीगेन करने लगता है। लेकिन तभी उसे शोर सुनाई देता है एंड रियन देखता है स्टेडियम में एक एक कर वॉरियर ने आना स्टार्ट कर दिया था। स्टेडियम में कई सारी लकड़ी की बनी हुई चेयर्स रखी थी।
उन चेयर के चारों तरफ हर पेविलियन के वॉरियर खड़े हुए थे। रियन की नज़र वाइन लाइटनिंग पेविलियन पर पड़ती है, जहाँ पर कई सारे पावरफुल वॉरियर खड़े हुए थे। अभी के लिए वहाँ पर चारों चीफ आ चुके थे। रियन की नज़र फेटियान पर पड़ती है। फेटियान को देखकर रियन को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। अरे वो तो बीच में ना लाई जुंजे खड़े हुए हैं। ये सुनकर रियन लाई जुंजे को देखने लगता है। लाई जुंजे को देखकर रियन को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था, पता नहीं क्यों। फिर भी रियन को उससे एक बहुत ही बड़ा खतरा फील हो रहा था। रियन यहाँ पर गलती से भी गलती नहीं करने वाला था, बिकॉज वो जानता था लाई जुंजे एक डाउजन लेवल का वॉरियर है एंड रियन उसके सामने अभी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो टियान हाओ की पावर को भी बोरो कर लेता है तो भी वो शायद ही लाई जुंजे के कुछ अटैक्स का सामना कर पाएगा। इसलिए रियन का पहला मकसद था फेंग जुंजे से मिलकर उनका सपोर्ट हासिल करना, क्योंकि अगर रियन को फेंग जुंजे का सपोर्ट मिल जाता तो लाई जुंजे भी रियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लाई जुंजे देखने में 30 से 40 साल का ही लगता था, बट उसकी एज बहुत ज़्यादा थी। वो एक डाउजन लेवल का वॉरियर था एंड रियन ने पहली बार सच में एक डाउजन लेवल का वॉरियर देखा था। हाँ, इससे पहले उसने हॉल ऑफ सोल की उस डाउजन लेवल के वॉरियर से भी मुलाकात की थी, बट वो डाउजन लेवल का वॉरियर रियन को नहीं पकड़ पाया था एंड रियन वहाँ से बचकर भागने में कामयाब रहा था। सभी की नज़रें लाई जुंजे पर टिकी हुई थी। उसके औरा से पूरे ग्राउंड में, पूरे स्टेडियम में एक एनर्जी फैल गई थी। तभी अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ी शॉट दिखाई देती है, जिसे देखकर लाई जुंजे कहता है जियान जुंजे भी यहाँ पर आ चुके हैं। तभी अचानक से वो बहुत बड़ी शॉट कई सारे लाइट के टुकड़ों में बदल जाती है, जो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं एंड दो टुकड़े सीधा उसी जगह पर जाकर लैंड करते हैं जहाँ पर लाई जुंजे खड़ा हुआ था। लाई जुंजे कहता है जियान जुंजे तो आप भी आ गए, लेकिन जियान जुंजे कोई जवाब नहीं देते हैं। जियान की नज़रें अभी के लिए उन्हीं दो लोगों पर टिकी हुई थी जिन्होंने कुछ सेकंड पहले ही लैंड किया था। उनमें से एक को जियान पहचानता था, वो पर्सन था टैंगिंग, मतलब ये लोग 10,000 स्वॉर्ड पेविलियन के लोग थे। जियान जुंजे 10,000 स्वॉर्ड पेविलियन से बिलोंग करता था। जियान जुंजे कोई जवाब नहीं देते हैं एंड जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। टैंगिंग उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, लगता है आज जियान जुंजे का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अचानक से वहाँ पर एक ब्लैक कलर का ग्लो आ जाता है, जो कुछ ही सेकेंड्स में गायब हो जाता है एंड सभी लोगों को दो लोग दिखाई देते हैं। उनमें से जो ओल्ड मैन था उसकी आंखों में एक अजीब सा ग्लो था। उसकी एक आंख ब्लैक कलर के ग्लो से चमक रही थी तो दूसरी आंख वाइट कलर के ग्लो से चमक रही थी। उस आदमी को देखकर रियन शॉक था। उसने आज से पहले ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था जिसकी आंखों का कलर अलग अलग हो। उस आदमी के पीछे ही वैंगचेन खड़ा हुआ था। इसे देखकर रियन समझ गया था ये आदमी येलो स्प्रिंग पेविलियन से बिलोंग करता है। उस ओल्ड मैन की बात सुनकर रियन जुंजे कहते हैं वांग जुंजे, मेरे हिसाब से आज मुझसे ज़्यादा आपको दुखी होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार की फाइट में मैंने फेंग जुंजे के कम से कम 100 एक्सचेंज का तो सामना किया था, आप तो वो भी नहीं कर पाए थे। ये सुनकर वांग जुंजे को अपनी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील होती है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, बिकॉज ये उनकी लाइफ की एक कड़वी सच्चाई थी कि पिछली बार की फाइट में वो फेंग जुंजे के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए थे। जियान जुंजे ने अभी ये कहा ही था, तभी अचानक से उन्हें कुछ फील होता है एंड वो कहते हैं ये हम में से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड वाला वॉरियर है, बट फिर भी ये हमसे बाद में यहाँ पर पहुँच रहा है, ऐसा क्यों? उन्होंने ये कहा ही था तभी अचानक से आसमान में ग्रीन कलर का एक टॉर्नेडो दिखाई पड़ने लगता है, जिसके अंदर सभी को एक आदमी दिखाई पड़ रहा था। सभी की नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी। रियन भी उस आदमी को देखता है एंड कहता है फेंग जुंजे तो तुम फाइनली आ गए। रियन आज से पहले फेंग जुंजे से नहीं मिला था, बट उसके औरा को फील करके रियन बता सकता था ये भी डाउजन लेवल का वॉरियर है एंड बाकी के तीनों डाउजन लेवल के वॉरियर वहां पर पहले ही आ चुके थे। इसका मतलब ये कोई और नहीं बल्कि फेंग जुंजे ही थे। अचानक से टॉर्नेडो कई सारे छोटे छोटे लाइट के टुकड़ों में बदल जाता है, जो स्टेडियम की अलग अलग जगहों पर जाकर लैंड करते हैं
एंड दो टुकड़े उसी जगह पर जाकर लैंड करते हैं जहाँ पर रियान जुनजे, वांग जुनजे, लाई जुनजे एंड बाकी वॉरियर्स मौजूद थे। ऑब्वियसली ये दोनों लाइट पिलर में से एक पैंग जुनजे और दूसरी मू क्विंग थी। पैंग जुनजे कहते हैं, इस साल के कॉम्पिटिशन में सच में मज़ा आने वाला है, कोई भी नहीं कह सकता है कि इस साल का ये कॉम्पिटिशन कौन जीतेगा। सभी की नज़रें पैंग जुनजे पर टिकी हुई थी। उनके वहाँ आने से अचानक से पूरे स्टेडियम में एक अलग ही एनर्जी फैल गई थी, जिससे सभी को काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। इधर जियान मू क्विंग को देखता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक मू क्विंग को नहीं देखता है। जियान की नज़रें सीधा जाकर पैंग जुनजे पर टिकती हैं। वो कहता है, यही पैंग जुनजे हैं। पैंग जुनजे को अपनी आँखों के सामने देखकर जियान की आँखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट आ गई थी। पैंग जुनजे वो पर्सन थे जिसके बारे में मास्टर यावलाव अक्सर बातें किया करते थे। वो ये तक कहा करते थे कि पैंग जुनजे उनके इतने अच्छे दोस्त हैं कि उनके लिए वो अपनी जान भी दे सकते थे। एंड जब से मास्टर गायब हुए थे, तब से पैंग जुनजे मास्टर को ढूंढने की हर कोशिश कर रहे थे। अगर ये बात सच थी तो मास्टर को बचाने में पैंग जुनजे रियान की हेल्प ज़रूर करते। ये देखकर रियान काफ़ी ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसे अब पैंग जुनजे से मिलने का मौका मिलेगा। उसे मू क्विंग से कोई लेना देना नहीं था एंड बाकी के डाउजन लेवल के वॉरियर से भी कोई लेना देना नहीं था, उसे बस पैंग जुनजे से लेना देना था। पैंग जुनजे उन सभी डाउजन लेवल के वॉरियर में यंग दिख रहे थे। वो सबसे ज़्यादा यंग लग रहे थे, भले ही वो थोड़े ओल्ड हो गए थे बट वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। एंड स्टेडियम में मौजूद कई सारी लड़कियों के वो क्रश थे। लड़कियों ने उन्हें देखकर ये तक कहना शुरू कर दिया था, पैंग जुनजे हमारे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि हमारे बीच कितना ज़्यादा एज गैप है, तुम बस एक बार हाँ कर दो, हम तुमसे शादी करने के लिए तुरंत राजी हो जाएंगे। लड़कियों के बीच में पैंग जुनजे का इतना ज़्यादा क्रेज देखकर रियान शॉक था। इतना ज़्यादा क्रेज तो उसका भी नहीं था। पैंग जुनजे ने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे। पैंग जुनजे बहुत ही पोलाइटली रियान जुनजे और लाई जुनजे को ग्रीट करते हैं, बट वो हुआंग जुनजे की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। पैंग जुनजे हुआंग जुनजे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बिकॉज हुआंग जुनजे जितना दिखाते थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। वो दिखावे पर विश्वास रखते थे एंड उनका नेचर पोलाइट नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा रूड थे एंड यही बात पैंग जुनजे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। पैंग जुनजे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद लाई जुनजे खड़े हो जाते हैं। वो आगे आकर कहते हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है, बिकॉज हमारे वाइन लाइटनिंग पेविलियन में इस बार ये ग्रैंड मीटिंग होने वाली है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को कॉम्पिटिशन के रूल्स के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, फाइट के दौरान कोई भी बाहरी वॉरियर फाइट में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस साल टोटल 35 वॉरियर्स ने ग्रैंड मीटिंग में हिस्सा लिया है। ये कॉम्पिटिशन भी पहले की तरह नॉर्मल तक ही चलेगा जब तक स्टेडियम में 8 वॉरियर नहीं बच जाते हैं। जैसे ही स्टेडियम में 8 वॉरियर बचेंगे, हम हमारा रियल कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर देंगे। अब आप सभी वॉरियर स्टेडियम में आ सकते हैं। ये सुनकर सभी वॉरियर स्टेडियम में आने लगते हैं एंड एक एक कर लगभग सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इधर वैंग चैन, मू क्विंग एंड टैंगिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो तीनों भी अरीना में चले जाते हैं। तभी एक क्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। सभी की नज़रें आवाज़ के डायरेक्शन में टिक जाती है। अचानक से वहाँ पर मिस फैंग दिखाई पड़ती है, जो बहुत ही नॉवेल तरीके से स्टेडियम में लैंड करती है। सभी की नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी। उसे देखकर रियान जुनजे, फैंग जुनजे और हुआंग जुनजे के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। रियान जुनजे कहते हैं, सच में लाई जुनजे, तुमने अपना काफ़ी सारा टाइम इस लड़की पर इन्वेस्ट किया है, यहाँ तक कि आज तुमने खुद अपने पावर से इस लड़की की पावर को छुपाया है, आखिर माजरा क्या है? तो लाई जुनजे कहते हैं, वो तो बस मैंने उसके कहने पर ऐसा किया है, अब वो ऐसा क्यों करना चाहती थी ये मुझे खुद पता नहीं। रियान जुनजे कहते हैं, तुम्हारी डिसाइपल सच में कमाल की है। इधर स्टेडियम में सभी की नज़रें मिस फैंग पर टिकी हुई थी। सभी लोग उसकी ब्यूटी को देखकर शॉक हो गए थे। लड़कों की नज़र उस पर से हटी नहीं रही थी एंड लड़कियां भी उसे देख रही थी, बिकॉज वो बहुत ही सुंदर थी। एंड सभी लोग जानते थे आज के कॉम्पिटिशन में जिसके सबसे ज़्यादा विनिंग चांस हैं वो कोई और नहीं बल्कि मिस फैंग ही है।
बिकॉज उसकी पावर के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। वो जितनी दिखती है उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लाई जुंजे से फैंग जुंजे कहते हैं, मिस फैंग सच में कमाल की डिसाइपल है एंड वो मू क्विंग से ज्यादा पावरफुल लगती है। तभी लाई जुंजे कहते हैं, मू क्विंग भी कुछ कम पावरफुल नहीं है, वो मिथिकल बर्ड ट्राइब से बिलोंग करती है, इसलिए उसे कमजोर नहीं कहा जा सकता है। उसके अगर ब्लड लाइन अवेकन हो गई तो शायद ही उसे कोई हरा पाएगा। ये सुनकर फैंग जुंजे हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी वांग जुंजे कहते हैं, वैंग चैन भी कमजोर नहीं है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर जियान जुंजे कहते हैं, भले वैंग चैन पावरफुल हो बट मुझे नहीं लगता है कि ग्रैंड मीटिंग में इस साल भी येलो स्प्रिंग पेवलियन की रैंकिंग में कोई इम्प्रूवमेंट होगी। येलो स्प्रिंग पेवलियन हमेशा से ही ग्रैंड मीटिंग में लास्ट आता रहा है। यही वजह थी कि सभी लोग उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते थे, बट पता नहीं क्यों फिर भी वांग जुंजे को बहुत ज़्यादा घमंड था एंड इसीलिए तीनों पेवलियन में से कोई भी इस पेवलियन को यानी येलो स्प्रिंग पेवलियन को पसंद नहीं करता था। बिकॉज वहाँ के वॉरियर जितने पावरफुल होते नहीं थे उससे ज़्यादा दिखावा करते थे। इधर जियान की नज़रें भी मिस फैंग पर ही टिकी हुई थी। उसे देखकर जियान की दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। जियान को समझ नहीं आता था कि मिस फैंग को देखकर उसे आखिर इतना अजीब क्यों फील होता था और थोड़ा सा डर भी क्यों लगता था। लेकिन सरप्राइजिंगली जियान के पास इसका जवाब नहीं था। वो स्टेडियम को चारों तरफ से देखने लगता है। उसकी नज़रें स्टेडियम के हर कोने पर पड़ रही थी। तभी अचानक से उसकी नज़रें एक ऐसे पर्सन पर पड़ती हैं जिसे देखकर वो खुद शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये पर्सन यहाँ पर कैसे हो सकता है। वो 3-4 बार अपनी आंखें मलता है एंड ध्यान से देखता है बट उस पर्सन का चेहरा नहीं बदलता है। उस पर्सन को देखकर जियान सच में इतना ज़्यादा शॉक हो गया था जितना वो मिस फैंग की पावर को देखकर भी नहीं हुआ था। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिनियन था, जियानन अकेडमी का वही डिसाइपल जिसकी बॉडी से फायर पॉइजन निकालने में जियान ने उसकी हेल्प की थी एंड बाद में वो जियान का एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था जो जियान के साथ जियामा एम्पायर में भी गया था एंड वहाँ पर मिस्टिक क्लाउड सेक्स से हुई फाइट में उसने जियान का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। लेकिन जब जियान डाउहोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए जियामा एम्पायर से बाहर वैली में चला गया था तब लिन जुइया लिनियन एंड ली क्विंग सभी लोग वहाँ से चले गए थे। जियान जब वहाँ से लौटा था वैली से लौटा था तब उसे इन तीनों में से कोई भी जियामा एम्पायर में नहीं दिखा था एंड अचानक से आज लिनियन को यहाँ देखकर जियान का शॉक होना बहुत ही नॉर्मल बात थी। जियान को सेंट्रल प्लान में आए ठीक से 6 महीने हो गए थे। इन 6 महीनों में जियान कई सारे ऐसे लोगों से मिला था जिसे वो पहले से पहचानता था एंड इस बात ने जियान को काफ़ी ज़्यादा शॉक कर दिया था। तभी अचानक से लाई जुंजे खड़े हो जाते हैं एंड वो कहते हैं, तो आप सभी वॉरियर्स यहाँ पर आ गए हैं तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। ये कहकर वो कहते हैं, कंपटीशन अब शुरू होता है, आप लोग फाइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लाई जुंजे की बात सुनकर सभी वॉरियर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन लोगों की नज़रों में उनके सामने वाला बंदा या बंदी उनका अपोनेंट था जिसे वो किसी भी हालत में हराना चाहते थे। बट उनका वॉरियर उनका अपोनेंट भी कुछ कम पावरफुल नहीं था इसलिए सबसे पहले अटैक करने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। जियान की नज़रें अभी भी लिनियन पर टिकी हुई थी। जियान ध्यान से उसे ऑब्जर्व करता है तो जियान को पता चलता है लिनियन पोस्टर डाउहोंग बन चुका है। ये देखकर जियान शॉक हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बस कुछ सालों में ही लिनियन एक 4-स्टार डाउहोंग बन चुका है। हालांकि वो एक 4-स्टार डाउहोंग बन गया था बट इस कंपटीशन में जीतने के लिए इस कंपटीशन के टॉप 8 में आने के लिए 4-स्टार डाउहोंग लेवल की पावर कुछ भी नहीं थी। लिन जुइया लिनियन और ली क्विंग इन तीनों ने ही जियामा एम्पायर को एक साथ छोड़ा था बट पता नहीं आज क्यों यहाँ पर लिन जुइया और ली क्विंग नहीं थे। यही चीज जियान को परेशान किए जा रही थी कि वो दोनों कहाँ पर होंगे। लिन जुइया ली क्विंग और लिनियन इन तीनों ने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के 7वीं फाइट में जियान की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। जियान को डाउवेंग लेवल का वॉरियर बने ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था एंड एक नए नए डाउवेंग लेवल के वॉरियर पर भरोसा कर
उन लोगों ने डाउजोंग लेवल के वॉरियर से फाइट की थी। ये एक ऐसा फेवर था जिसे रियन जैसा वॉरियर चाहकर भी नहीं भुला सकता था। इधर स्टेडियम में फाइट स्टार्ट हो गई थी। सभी लोगों ने अपने अपने अपोनेंट चुन लिए थे एंड एक दूसरे को मारने के लिए वो लोग एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे। सभी की नजरों में उनके सामने वाला उनका दुश्मन था एंड उसे हराने के लिए वो लोग अपनी जी जान लगा दे रहे थे। उन्होंने अपनी डोइकुई एक्टिवेट कर ली थी। सभी की डोइकुई आपस में टकरा रही थी जिसकी बहुत ज्यादा जोरदार आवाजें सुनाई दे रही थी। उन आवाजों से बचने के लिए जियान ने अपनी डोइकुई से अपने कान आइसोलेट कर लिए थे। जियान को लगा था ग्रैंड मीटिंग में लोगों को वॉरियर्स को एलिमिनेट करने के लिए वन बाय वन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज किया जाएगा, बट यहाँ पर तो हॉडजपॉड एलिमिनेशन टेक्निक का यूज किया गया है। इस चीज ने जियान को थोड़ा शॉक कर दिया था। वहीं कुछ ही देर में स्टेडियम में कई सारे डाउहोंग लेवल के वॉरियर घायल पड़े हुए थे। उनकी पूरी बॉडी से खून आ रहा था एंड शॉकिंगली इनमें कई सारे वॉरियर ऐसे थे जो डाउहोंग लेवल की पीक पर थे, बट कई सारे डाउहोंग लेवल के वॉरियर ने एक साथ मिलकर उन पर अटैक किया था, इसलिए पीक लेवल पर होने के बावजूद वो लोग उनसे हार गए थे एंड इतनी बुरी हालत में वहां पर पड़े हुए थे। अभी 10 ही मिनट हुए थे एंड अभी ऐसा हल हो गया था। ये देखकर जियान सोच रहा था कि अगले कुछ टाइम में क्या होगा। जियान ये देखकर शॉक हो गया था कि डाउहोंग लेवल के पीक के वॉरियर तक आउट हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन से बाहर हो रहे हैं, बट अभी तक लिनियन थोड़ा सा भी घायल नहीं हुआ था। जियान उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो जियान को पता चलता है लिनियन की जो एजिलिटी डाउ टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से बस थोड़ी सी ही वीक है। उसे देखकर जियान को लग रहा था कि वो एक अर्थ लेवल की लो लेवल की एजिलिटी टाइप डाउ टेक्निक है। जियान कहता है पिछले कुछ सालों में लिनियन की पूरी जिंदगी बदल गई है। उसने सच में कई सारे ऐसे एनकाउंटर का सामना किया है जिसका उसे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। जियान को लिनियन के लिए काफी अच्छा फील हो रहा था बिकॉज लिनियन उनका कोई दुश्मन नहीं था बल्कि जियान का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था। जियान कहता है लिनियन तुम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट मुझे चिंता हो रही है कि जब तुम्हारा सामना वैंग चेन, टैंगिंग, मूक्विंग या मिस फैंग से होगा तब तुम क्या करोगे, बिकॉज वो लोग जितने दिखते हैं उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं एंड मिस फैंग के पास तो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट भी है जो तुम्हारी इस टेक्निक के सामने काफी ज्यादा पावरफुल है। जियान भले ही कॉम्पिटिशन में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था बट उसने सोच लिया था अगर कुछ भी गड़बड़ होती है एंड लिनियन की जान पर खतरा आता है तो जियान उसे बचाने जरूर जाएगा, भले ही चाहे फिर उसके लिए उसे इस कॉम्पिटिशन में इंटरफेयर क्यों ही ना करना पड़े। जियान उन लोगों में से नहीं था जो दूसरों के फेवर को भूल जाते थे। आज भले ही जियान को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता बट अगर लिनियन को बचाने की बात आती तो जियान उन प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता एंड जाकर लिनियन को बचाता। तो गाइज अब आपको क्या लगता है कैसी होगी जियान एंड फैंग जुनजे की मुलाकात एंड क्या लिनियन भी जियान का साथ देगा ऑल ऑफ सोल से फाइट करने में, कमेंट कर जरूर बताना। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।